राजस्थान में इस वक्त टोंक सवाई माधोपुर की लोकसभा सीट काफी चर्चाओं में बनी हुई है। कारण है कि यहाँ के समीकरण और खास तौर पर अब की बार जो समीकरण यहाँ पर देखने को मिलेंगे वो बड़े ही रोचक देखने को मिलेंगे, जो कि टोंक सवाई माधोपुर सीट को खास बनाएंगे। आपको बता दें कि सीट पर सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा का भी प्रभाव देखने को मिलेगा। फिर आपको बता दें कि आप देख रहे थे अफेक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। खबर शुरू करने से पहले पूर्व में मंत्री रहे और मौजूदा दौसा विधायक मुरारीलाल मीणा का बयान सुनिए। इस बार हमारी पार्टी बहुत ही गंभीर है, सिंसियर है कि ऐसे प्रत्याशी का चयन हो। जो पिछले दो बार की हमारी कांग्रेस की स्थिति रही वो स्थिति को एकदम हम पलटे, और तो इसी के रूप में आज हमने पूरे टोंक में सबका फीडबैक, सारे हमारे पदाधिकारी हैं, जिला कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक के हैं, मंडल के हैं, उनसे सामूहिक रूप से व्यक्तिगत रूप से फीडबैक लिया है, और जो फीडबैक आएगा बेस्ट से बेस्ट हम उसको हाईकमान को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उनको पहुँचाएंगे। हम चाहते हैं कि इस बार ये सीट 100% हमारी कांग्रेस पार्टी जीते, इसको लेकर के हम सबको यहाँ पर लूट लगाई गई है। निष्पक्ष रूप से पूरा फीडबैक आम जनता से लेकर के, कार्यकर्ता से लेकर के और हाईकमान तक पहुँचाएंगे। आपको बता दें कि मुरारीलाल मीणा टोंक कार्यकर्ताओं और नेताओं से फीडबैक लेने पहुंचे थे कि यहाँ से किसको लोकसभा में उम्मीदवार बनाया जाए, जहाँ उन्होंने कहा कि जो भी फीडबैक आएगा उसे हाईकमान तक हम पहुँचाएंगे। आपको बता दें कि फीडबैक में यही सामने आता हुआ दिख रहा है कि सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़वाया जाए। बता दें कि अगर सचिन पायलट यहां से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो यहां पर बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी हो सकती है। खैर, आप एक और बयान सुनिए जहां मुरारीलाल मीणा से ये सवाल किया जाता है कि क्या सचिन पायलट यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। देखो पायलट साहब, आपको पता है कि पायलट साहब राष्ट्रीय नेता है, बहुत बड़े नेता है, जनाधार वाले नेता है। मैं समझता हूँ कि जो फैसले होंगे सोच के होंगे। पायलट साहब एक वर्कर ग्रुप में काम तो करेंगे, यदि वो नहीं लड़ेंगे तो जिसको भी टिकट मिलेगा प्रत्याशी को, पायलट साहब उसके लिए काम करेंगे और निश्चित उनके काम करने का हमारे प्रदेश को फायदा मिलेगा। मुरारीलाल मीणा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट राष्ट्रीय नेता है और उनका जनाधार है, वो लड़ते हैं या फिर किसी को टिकट मिलता है तो उसके लिए पायलट साहब यहाँ पर काम करेंगे और निश्चित रूप से प्रदेश को फायदा पहुँचेगा। खैर, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए कई समीकरण इस लोकसभा सीट पर काफ़ी पक्ष में रह सकते हैं, क्योंकि सीट पर गुजरों और मीणाओं का प्रभाव है, और जिस प्रकार से किरोड़ीलाल मीणा को कोई बड़ी जिम्मेदारी ना देकर बीजेपी ने मीणा समाज को नाराज कर दिया है तो उससे कांग्रेस को फायदा हो सकता है। और बात करें गुज समाज की तो पहले से ही वो पायलट के साथ खड़ा नजर आता है। खैर, देखना रोचक होगा कि इस लोकसभा सीट पर कौन उम्मीदवार होता है और किसके पाले में जीत नसीब होती है। खैर, आपकी इस खबर पे क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।